केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोचा नहीं होगा कि जो फल वो दिल्ली के बेहद पॉश खान मार्केट से मंगा रहे हैं उन्हें उस पर वैक्स मिलेगा और इसी के बाद पूरा मामला शुरू हो गया। दरअसल रामविलास पासवान ने सेब ऑर्डर किया था, ये अमेरिकन सेब था और उसके बाद जब उन्होंने उसे चेक किया तो उस पर पाया कि सेब कुछ ज़्यादा ही शाइनी है और उस पर उन्हें वैक्स मिला उस पर, जिसके बाद वो बेहद नाराज हुए और उन्होंने उपभोक्ता मंत्रालय की जो टीम है उसे इस फल की शॉप पर भेजा और जिसके बाद यहाँ पर पूरी जांच हुई। हम यहीं खान मार्केट के इसी शॉप में आए हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश। राजेश जी, क्या मामला हुआ था, कौन आया था फल लेने और बाद में क्या हुआ? इनके कस्टमर आए थे हमारे पास, जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो हमसे एप्पल वगैरह सारा सामान ले जाते हैं, रेगुलरली ले जाते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें कुछ वैक्स की प्रॉब्लम आई है, लेकिन हम तो आजादपुर मंडी से परचेज करके लाते हैं। अब इनको कस्टम क्लियरेंस वालों को ही देखना चाहिए ना, वहीं से तो कहाँ से क्या चेकिंग करके क्यों वो क्लियर करते हैं वहाँ से सामान। ये कौन सा सेब था, कहीं बाहर का सेब? यूएसए का, यूएसए का, अमेरिका का। तो सर जब वो आए कितना सेब ले गए थे उनके एम्प्लॉय? बिल का मुझे याद नहीं है कितना, क्योंकि डेली में सबका बिलिंग होती है तो मुझे इतना ध्यान नहीं कितना ले गए। और बाद में कोई टीम आई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने ये क्वेरीज की थी कि भाई आपने ये ऐसा ऐसा क्या, तो हमने उसको वापस दे दिया सामान फिर। अच्छा, जिसका हमने परचेज किया था उनको वापस दे दिया सर पूरा। ये जो सेब था ये वैक्स लगा था, ये आपको जानकारी नहीं? नहीं, इसका मुझे नॉलेज नहीं थी, वो तो शाइनिंग वाला था इसलिए हमने परचेज कर लिया था उनसे कि यहाँ बिक जाएगा, हमें नहीं पता था कि इसमें क्या लगा हुआ। लेकिन वैक्स लगाते हैं फलों में ये तो आपको मालूम है? अब इसका हमें नॉलेज नहीं ना, अब तो परचेज करके ला रहे हैं मंडी से क्या मिल रहा है। तो अब आप आगे से जब सेब लेंगे तो क्या फिर कैसे नजर रखेंगे? हम चेक करके उससे कल क्लैरिफाई करके ही लेंगे पूरा प्रॉपर। और वो मंत्री जी आपके पुराने कस्टमर हैं? हाँ, सब सारे वीआईपी कस्टमर हैं यहाँ पर हमारे सारे मंत्री। हाँ। और किसी से शिकायत नहीं आई? और किसी को शिकायत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो फल लिया गया था, जो सेब लिया गया था उसमें वैक्स लगा हुआ है। दरअसल इनका कहना है कि वो शाइनी फ्रूट था, ऐसे में इन्होंने वो आज़ादपुर मंडी से मंगाया लेकिन वो अमेरिकन सेब था, वो बाहर से आया था, तो ऐसे में जिम्मेदारी कस्टम और आज़ादपुर मंडी में जिन्होंने बेचा है उनकी होनी चाहिए, इनका ये दावा है। होलसेल डीलर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बेहद नाराज़ दिखे, उन्होंने अपने यहाँ की जो टीम है खाद और जांच करने की पूरी टीम है उसको यहाँ पर भेजा और उसके बाद पूरी इंक्वायरी यहाँ पर हुई है। लेकिन दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरह की बात सामने आती है जहाँ पर फलों में वैक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि उसकी शाइनिंग बढ़ जाए और उसके बाद उसे एक वो दिखने में आकर्षक लगे, जिसके बाद ग्राहक उसे फौरन खरीदते हैं।